हेलो दोस्तों, देखिए आज आप लोग से हम बात करेंगे कि क्या भारतीय टीम में, इंडियन टीम में जो फिनिशिंग की भूमिका थी, क्या वो पूरी हो चुकी है? दिनेश कार्तिक की जब से इंक्लूड किया गया है दिनेश कार्तिक की टीम भारतीय टीम में, क्या उस कमी को पूरी कर दिया है दिनेश कार्तिक ने? देखिए इसका जवाब होगा ऑलमोस्ट हाँ ही होगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से आईपीएल परफॉर्मेंस के आधार पर दिनेश कार्तिक को टीम इंडिया में इंक्लूड किया गया था, इसी पर्पज के लिए किया गया था कि 6-7 ओवर पे आकर जो 4-5 ओवर का या 3-4 ओवर या 2 ओवर का जो मैच बचता है उसमें फिनिशिंग टच देना है, मतलब कि आपको, मतलब कि करीब करीब आपको 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाने हैं। तो अभी तक तो काफी अच्छा किया है दिनेश कार्तिक ने। देखिए अभी देखिए बहुत जल्दी एशिया कप आने वाला है, 1 महीने से कम टाइम बचा, उसके बाद जो सबसे मेन इवेंट है वो है T20 वर्ल्ड कप, जो तैयारियां चल रही है इसमें T20 वर्ल्ड कप चल रही है। तो देखिए काफी अर्से से फिनिशिंग भूमिका देखिए के लिए काफी जदोजहद करनी पड़ी थी भारतीय टीम को। देखिए फिनिशिंग के रूप में हमारे पास अवेलेबल 3 लोग हैं, एक जडेजा हो गए, एक हार्दिक पांड्या हो गया, और सबसे नीचे आके दिनेश कार्तिक ने कमाल करके दिखाया है। देखिए साउथ अफ्रीका अभी जब T20 खेलने भारत में आई, वहां भी एक मैच ऐसा फंसा था वहां पर जिसमें दिनेश कार्तिक लगभग 28-29 गेंदों करीब 50 ओवर रन बना के 200 की स्ट्राइक रेट बनाया और भारत को मैच जिताया। उसके बाद देखिए कल के मैच में आपको बताऊं कि दो वेस्टइंडीज के खिलाफ जो मैच हुआ था वहां पे 138 में 6 विकेट गिर गए थे, वहां से दिनेश कार्तिक जिस तरह पारी संभाला है, देखिए प्रेशर ले सकते थे, दबाव आ सकता था और भारतीय टीम 150, 155 और 160 पे भी बुक हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिनेश कार्तिक की वजह से 190 रन का ह्यूज स्कोर बनाया गया, क्योंकि वो पिच आसान नहीं थी। रोहित शर्मा क्लास प्लेयर्स थी, वहां पर अच्छा खेल गए, बाकी बैट्समैन कोई चला नहीं, चाहे सूर्य कुमार यादव हो गए, चाहे श्रेयस अय्यर हो गए, ऋषभ पंत हो गए, चाहे हार्दिक पांड्या हो गए, चाहे रविंद्र जडेजा, कोई भी चल नहीं पाया। लेकिन जिस तरह से दिनेश कार्तिक ने फिनिशिंग टच दिया, कमाल, 19 गेंदों पर 41 रन, करीब 219 का स्ट्राइक रेट से रन बनाया उन्होंने, वो कमाल था, लाजवाब था। देखिए इसी तरह कुछ पारियों की आवश्यकता है T20 वर्ल्ड कप जो टूर्न खेला जाएगा वहां पर। तो अभी तक तो ये कहना सही होगा कि देखिए ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है दिनेश कार्तिक, और पूरी डिजर्विंग के साथ इंडियन टीम में इंक्लूड किया गया, क्योंकि आईपीएल बहुत अच्छा परफॉर्म किया था बेंगलुरु की तरफ से, तो उसी के परफॉर्मेंस के आधार पर इनको भारतीय टीम में लाया गया, और अभी तक उस जिम्मेदारी को, उस दायित्व को बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही भरपूर मात्रा में पूरा करके दिखाया अपने कप्तान को, रोहित शर्मा को और कोच राहुल द्रविड़ को। देखिए आगे कल का क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से 100% लग रहा है, 99.9% कुछ नहीं होता है, 99.9% ऐसा लग रहा है कि काफी ऑलमोस्ट फिलअप हो चुका है फिनिशिंग टच।